नहीं कौन मेरे अफसर की बेटी है सत्कार योग प्रेस रिपोर्टर साहब आना चाहिए प्लीज सानू कल छड़ दियो अभी अपने दो मिनट दो सर दो मिनट मेरे अफसर की बेनती है सत्कार योग प्रेस रिपोर्टर साहब आना चाहिए प्लीज सानू कल छड़ दियो अभी अपने बेनती है प्रेस दो मिनट दो सर दो मिनट सानू कोई गेट बंद कर दूंगा जो प्रबंधक है दूंगा बाइक चालक बता दो सारे सरकार ने अनाउंसमेंट की थी भी 10 तरीक तो प्रोक्योरमेंट चलेगी तो जेड़ा बहुत देर तो एक मसला फसया होया सीगा डायरेक्ट पेमेंट टू फार्मर्स वाला जिदे ते सेंटर गवर्नमेंट बड़ी बजिद होई हुई सीगी उहदे वास्ते मंत्रियों का वफद उन्हां नूं मिलन भी गया सी ते सीएम साहब ने दो तीन बार कोशिश भी की प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नाल गलबात करके इस इशू नूं डैफर करन दी पर बदकिस्मती नाल इह सेंटर गवर्नमेंट की जिद करके अज हालात यहोजे बन गए है भई सीएम साहब ने स्पैशली क्योंकि उन्हों का मनना है भी उन्होंने
वायदा करिया सीगा सारे आड़ती भाईचारे नाल भी उन्हूं इस सिस्टम चो निकलन नहीं देंगे। उन्हूं किस तरीके रेलेवेंट रखना है, उहदे वास्ते की नवा सिस्टम लाना है, वह अज उस सिस्टम असी इन प्लेस कर रहे हैं। आड़ती भाईचारे नूं दिखाया गया है काफ़ी देर 3-4 घंटे जिवें तुसी जानते हो डिस्कशनस तो बाद उहदे विच जिहड़ी कोई कमियां सीगियां उहदे वास्ते सुझाव भी आए है, असी वह शाम तक सुधार करके उन्हूं इन प्लेस कर देना है। कल सारिया टीमां फूड डिपार्टमेंट दियां सारे डिस्ट्रिक्टां च उहदी उन्हूं दिखाण वास्ते ते लोकां नूं थोड़ा जिहा सिखाउण वास्ते साडियां असी भेज भी देंगे। हर मंडियां दे विच जाके नवां जिहड़ा सॉफ्टवेयर डिवेलप करिया उन्हूं किस तरीके ओपरेट करना है उहदे वास्ते ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हो जाणगे तां कि प्रोक्योरमेंट किते कोई अड़चन च ना आवे। ते असी खास तौर ते धन्नवादी हाँ कालड़ा साहब ते उन्हां दे सारे भाईचारे दा, सारे डिस्ट्रिक्टां दे जिहड़े प्रधान साहबान आड़तियां दे और इन्हां दी पंजाब दी जिहड़ी एग्जैक्टिव कमेटी दे नुमाइंदे इत्थे आए हुए सी, उन्होंने सारिआं ने यूनैनिमसली अज हड़ताल खत्म करके प्रोक्योरमेंट नूं करन दा पंजाब सरकार दी जिहड़ी बेनती सी उहनूं मन्निआ है। ते हुण प्रोक्योरमेंट असी शुरू करन जा रहे हाँ। फसल हले बहुत थोड़ी आई है, राजपुरा मंडी च पई है। मैं और सारे नुमाइंदे प्रधान जी दे नाल असी उत्थे जाके उहदी बोली लवावांगे। सीएम साहब वल्लों रस्मी तौर पर जो ऐलान किया गया उहदी रस्मी तौर पर शुरुआत करवावांगे। मैं धन्नवादी हाँ पहला सारे भाईचारे का और धन्नवाद करदा सीएम साहब का जिन्होंने आड़ती भाईचारे दियां मंगां चाहे वह 131 करोड़ वाली सी चाहे FCI दे नाल रिलेटिड इशूज सीगे वह सारिया मन लईआं ते भाईचारे नूं थोड़ा जिहा उहदे नाल साह मिलेगा क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन इन्हां दे उपर लाण दी कोशिश कीती है। असी वह भी किस तरीके खत्म करनी है वह भी कोशिश करांगे आने वाले टाइम च। ते हुण जो अज सब तो जरूरी चीज़ सीगी वो अज असी रस्मी तौर पर शुरुआत करन जा रहे हैं। पेमेंट जिहड़ी है वह सीधी किसानां दे खाते च जाएगी पर उहदे विच आड़तियां दा कंट्रोल बकायदा तौर पर रहे उस पेमेंट के उत्ते वह भी इंश्योर किया गया जिहड़ा नवा सिस्टम असी डिवेलप किया। आड़तियां नूं जिवें आड़त पहला मिलती सी उवें ही मिलेगी, आड़तियां की पेमेंट बिल्कुल नहीं रुकेगी। असी उन्हां दी लेबर उन्हां दे होर जिहड़े खर्चे ने भी बकायदा दिते जाणगे। साडियां स्टेट एजेंसियां तो पहलां तो ही देंदियां सीगियां, जिहड़ी एक FCI सीगी उन्हां नूं भी CM साहब वल्लों हदायतां दे दित्तियां गईआं भी वह भी कोई कटौती नहीं करनगे ते इन्हां दे पूरे पैसे इन्हां दे खातियां च पाणगे। जिहड़ी अदायगी है वह 48 घंटे दे विच किसानां दे खाते च चले जाएगी पर उहदे विच भी जाण तो पहलां किस तरीके आड़तियां नूं उस पेमेंट जिद्दां जनरेट हुंदी आ उहदे बारे मैसेज करना ते इन्हां नूं कंट्रोल देना उहदे वास्ते भी असीं पोर्टल दी ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 32,000 ਆੜਤੀ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਬੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ 32,000 ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਜੀ ये मैनू नहीं पता तुसी की दिखा रहे ये भाई साहब कोई सेंटर की चिट्ठी है जा कुछ है कोई भी आड़ती भाईचारे की एक भी कमीशन जिहड़ी 46 रुपये उन्होंने रखी हुई है असी उन्हें कोशिश करांगे पहला तो दोबारा 2.5% कराने की पर 46 रुपये तो एक भी पैसा कटिया नहीं जाएगा आड़तियां नूं एक एक पैसा मिलेगा जिहड़ा 131 करोड़ किसी कारण करके अज तो 1.5 साल 1.5 साल पहला दा रुकिया होया सीगा वो CM साहब ने खजाने तो जारी करन दे ऑर्डर कर दिते गए है। यह जे कोई क्लिप किसी को लै तो वह भरमाउण वाला आ। मैं बहुत स्पेसिफिकली सारिआं दे हाजरी च यह कह रहा भी आड़तियां दा जिहड़ा उन्हां दी बनदी आड़त है उन्हां नूं बकायदा तौर पर जिवें अगे मिलदी सी उवें ही मिलदी रहेगी। मैं अज ही राजपुरे रस्मी तौर पर शुरुआत करन जा रहा मेरे नाल आड़ती साहबान जा रहे हैं ताकि किसी नूं कोई खदशा ना रहे भी किसी तरीके की कोई हड़ताल या बकायदा तौर पर प्रोक्योरमेंट होएगी स्मूदली होएगी किसानों की फसल भी एक एक दाणा चक्या जाएगा तो उस दाने का बनता एक एक पैसा किसानों के खाते च भी जाएगा उस फसल की बनती आड़त
आड़तियां दे खाते च जाएगी ते जिहड़ी लेबर ते जिहड़ा ट्रांसपोर्टर विच इनवॉल्व रहेगा उन्हां नूं भी उन्हां दा बनदा एक एक पैसा अदा किया जाएगा। साडी CCL भी आ गई, साडे प्रोक्योरमेंट इंसीडेंटल भी साडे इन प्लेस ने सारे, किसे तरीके की कोई कमी रहन नहीं दिती जाएगी। कोविड करके जिहड़ा थोड़ियां हैल्थ डिपार्टमेंट दियां साडियां एडवाइजरीज ने, असी सारियां नूं अपील करांगे उहदा जरूर पालना करो। जिहड़ी एक किसानां एक आड़तियां दी डिमांड सी भी पासिस दे विच किते कोई कमजोरी रहिंदी है, वह डिसेंट्रलाइज कर दिता गया। आड़ती भाईचारा लोकल अपनी मार्केट कमेटी नाल गल करके जिहड़े किसान की फसल पहला तैयार हो गई है उन्हें मंगाना चाहता है वह लिया सकता है। बाहरों जिहड़ी भी फसल है कोई जिहड़ी भी फसल बाहरों किते कोई आ रही है उहदे ते जीरो टॉलरेंस है। असी पहला तो छापेमारी शुरू कर दिती गई है, परचे भी दो तीन जगह ते रजिस्टर हो गए हैं। आने वाले टाइम च पुलिस नूं भी चौकस कर दिता गया, मंडी बोर्ड के अधिकारियों भी चौकस कर दिता गया और फूड डिपार्टमेंट के आप दियां और सारिया प्रक्योरिंग एजेंसीज के जिहड़े अधिकारी ने चौकस रहणगे। कोई भी ट्रक बाहरों आया साडी CCL इत्थे दे किसानां दी अमानत है, ना कि बाहरलियां बाहरली फसलां दी। सारे सारे भाई साहब जेड़ा जेड़ा आड़तियां दी कमीशन है वो सरकार ने देनी है और असी जिवें पहला सिस्टम चलता है उवें दिता जाएगा। 46 जिहड़े मंडियां दे मेरे जिला प्रधान, मेरे पंजाब दे ऑफिस बैरर, 31 मैंबरी कमेटी दे साडे समूह जिहड़े पूरे पंजाब नूं चलाउंदे आ वह अज इस मीटिंग शामिल होए। उहदे विच असीं जिहड़ा 5 अप्रैल नूं बाघा पुराणा दे विच 10 तरीक तों मंडियां बंद करन दा फैसला कीता सी उहदे वास्ते अज मीटिंग कीती गई। बहुत सारे सुझाव आए, बहुत सारे किले शिके होए। उस तों बाद असीं अपने जिले प्रधानां नूं ये पावर दी भी तुसीं यह फैसला करो भी आपां की करना है, हड़ताल नूं रेगूलर करना है या आपां किसान दे हित वास्ते आने वाला समा पता नहीं किहो जिहे मौसम का आने वाले दिन जाना है। किसान दिल्ली के बॉर्डर के उपर लड़ाई लड़ रहा है, उहदा दे साथी फसलां कटाई कर रहे हैं तो जो मंडियां बह के बड़ी प्रॉब्लम आएगी। किसान हितों नूं मुख रखदे होया असीं अज्ज ये फैसला किया जिहड़ा पंजाब सरकार ने पौने 2 साल तो 131 करोड़ रुपया साडे आड़ती दा खड़ा सी उहदे वास्ते हुणे हुणे महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री पंजाब साडे शामिल होए। उन्होंने यकीन दवाया भी मंडे तो 131 करोड़ रुपये पूरी रकम चाहे कोई PFMS पोर्टल चढ़िया चाहे नहीं चढ़िया वो सारे पैसे पंजाब के समूह आड़ती है जिन्हें जिन्हें पैसे रुके है वो मंडे तो शुरू हो जाएंगे। एक FCI साडे नाल पिछले समय तो बहुत ज्यादती करती आ रही है कि 100 रुपया साडा रेट फिक्स करता मंडी बोर्ड कहते 70 पैसे देने 75 पैसे देने। ये महाराज साहब ने यकीन दवाया कि खरीद तो पहला जिहड़े पैसे ने तुहाडे पिछले भी दवाए जाएंगे। आने वाले समय च जो पंजाब मंडी बोर्ड का रूलों के मुताबिक नियमों मुताबिक पैसे फिक्स किए जाते हैं वो पूरे दे पूरे पंजाब के आड़तियों को मिलने। ये कोई किसी तरह की घबराने की लोड़ नहीं। दूसरी गल जी आड़त है वो आड़तियों के खाते जाएगी, जी मजदूरी है वह भी आड़तियों के खाते जाएगी, असं अगों मजदूर देवे, जी MSP है वो किसान के खाते जाएगी और जाएगी आड़तियों के थ्रू। देखो सहमतियां बार बार नहीं होंगे, सहमतियां इस सीजन वास्ते है, जो अगो फिर कोई गल होगी फिर देखा। अज की गल आप करने अच्छे हालात यह है भी कणक मंडियां शुरू होनी होगी, किसान दिल्ली के बार्डर से बैठा 4.5 महीने तो उन्होंने परिवार के मैंबर फसल कटा के लिया है, असं उन्हों की दिक्कत को मुख रखते हुए महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी सरकार ने सानू यकीन दवाया कि आड़तियों के हितों के नाल कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जे केंद्र सरकार कोई होर यहोजी कोई दिक्कत पेश करेगी पंजाब सरकार साथ ना खड़ेगी। नहीं नहीं सहमति वेखो पंजाब सरकार ने सानू ये गल कही थी, पंजाब सरकार बजिद सी कई चिर तो कि पैसे आड़तियों के खाते जाने चाहिए जो मंडी बोर्ड का एक्ट कहता, लेकिन केंद्र सरकार ने किसान अंदोलन करके जरा अड़ियल वतीरा अपनाया कि पेमेंट जी पहले किसान को जानी चाहिए है। साडा किसान का तो जो आड़ती है 9 मास का रिश्ता है, असी उन्होंने पहला भी निभाया अगाह भी निभावे, कोई गल नहीं जो पैसे अस किसानों दिते हुए हैं किसान साढ़े ना पहला पैसे कहते रोके ना अगह रोकने हैं। इस करके असी सरकार को सहमति दी है कि मौसम खराब चल रहा है तो किसान के हितों मुख रखते हैं फैसला लिया।
गल कही है कि जिदा पहला चल रही थी अदायगी उदा ही चलूगी। कहने का मतलब जी अदायगी किसानों के अकाउंट नहीं आऊगी, थानू पहला आऊगी। पेमेंट किसानों के खाते जाऊगी, थ्रू साढ़े जाऊगी, आढ़तियों के साढ़े ध्यान से लिया जाऊगा। सानू एस एम एस आएगा कि आ पेमेंट किसान के खाते चलेगी, वो मतलब सानू इनफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि माल असी बेचना है, असी उन्होंने सामना है। कई कई दिन माल पिया रहना मंडियों, सानू पता लग जाए किसान कीमत मिलगी कि नहीं मिलगी। कल किसान के पैसे नहीं आते, जिम्मेवारी तो साड़ी फिक्स है ना, क्योंकि किसान तो साढ़े फेस से माल बेचता। नहीं एन ओ सी अही कहदी देनी है, सरकार ने कोई सानू तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अज इस गल का विश्वास दवाया भी आढ़ती इस सिस्टम के रहेगा, आढ़ती आढ़त मिलेगी, पूरी मजदूरी मिलेगी मजदूरों, तो एम एस पी जी थ्रू आढ़ती है किसान के खाते जाए। मेरे से भी रेड होया 18 दिसंबर मेरे घर रात को 150 बंदा आया, 19 को गया, उन्होंने काम है वो तो सारे डराते, वो तो जिहड़ा भी आवाज चुकता उन्होंने डराते, ट्रांसपोर्टर डराते, गायकों डराते, हर एक डराते हैं। हुण की कर सकते, जालम सरकार आ गई है, साढ़े वो तो प्रैशर सरकार से सी, सरकार ने करता, लेकिन साढ़े मन च नफरत तो है ना इस गल की, जी पंजाब सरकार ने गल नहीं मनी साढ़े आढ़तियों के हितों एक खिलवाड़ किया। बीजेपी के लीडर जोड़े पंजाब बैठे है डिबेट से बहते जी, असी तो आढ़तियों के भाईचारा साढ़ा कायम रहेगा, आढ़ती साढ़े ने, व्यापारी साढ़े ने, अजो गल साफ हो गई कि बीजेपी किसी न मतलब नहीं, उन्होंने अपनी सरकार ना मतलब सेंटर ना मतलब नहीं। केंद्र सरकार के राहे जी साड़ी आढ़त है वह केंद्र सरकार ही अदा करती है, पर थ्रू पंजाब सरकार आती है। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਆੜਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਕਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ आगू ने लोगों को गुमराह करता, पी एफ एम एस पोर्टल अपडेट नहीं किया, रह गया वो वास्ते लोग साढ़े बेचारे बड़े परेशान से। अज उन्होंने मंग नूं मुख रखिया, असी ये मंग रखी से मुख्यमंत्री साहब ने मान लिया, एफ सी आई सानू तंग करती से, उन्होंने कहा था भी तुहाड़ी जिहड़ी दिक्कत सोमवार तो दूर कर दी जाएगी, एफ सी आई की बैलेंस रकम दवा दी जाएगी, वो सारिया गल्लां साडियां मनिया गई। एक साडा मुद्दा सी भी पेमेंट साडे खाते जाणी चाहिए है, पर केंद्र सरकार ने जिहड़ा जवाब दिता है तुहाडे सारे सामने, तुहाडे प्रेस नूं पता है भी तीन मंत्री गए ने, उन्हें कोई गल नहीं सुनी, उन्होंने अड़ियाल रवैया तो आपां वेखदे हां भी जिहड़े फार्मर रजिस्ट्रेशन चढ़ रही है, लखां किसान बैठे देश दे ते कोई गल सुनने वास्ते नहीं आ रहा, उन्हां दी नीति दा नीत पहले पेमेंट हड़ताल करदे। तीन चार मुद्दे सी, पहला मुद्दा सी डायरेक्ट पेमेंट टू द आढ़तिया, सैकंड सीगा साडी जिहड़ी जमाबंदी है किसानां दी मंग दे उह केंद्र सरकार ने उहनूं पोस्टपोन करता, तीजी 131 करोड़ रुपया, चौथी सी साडी एफ सी आई की जिहड़ी पेमेंट रुकी भी उह दित्ती जावे, गाहक एफ सी पूरी पेमेंट देवे। साढ़े चार मुद्दे सी, एक मुद्दा केंद्र सरकार के 80 रुपये के कारण साडा हल नहीं होया, पर पंजाब सरकार ने सानूं यकीन दवाया कि असीं कोशिश करांगे, आने वाले समय जो सकता फैसला जदों उहनां नाल बदलिया जा सकता।